नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। छत्तीसगढ़ की एक युवती लव जिहाद का शिकार हुई है। युवती ने यूपी के हाथरस जिले के एक मुस्लिम युवक पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। युवती का आरोप है कि युवक ने नाम बदलकर पहले उसे प्रेम जाल में फंसाया और फिर शादी रचा ली, लेकिन शादी के बाद जब आरोपी युवती को अलीगढ़ में अपनी बहन के यहाँ ले गया तो सारी हकीकत सामने आ गई। वहाँ सब कुछ विशेष समुदाय का देख युवती के होश उड़ गए। इसके बाद युवती ने थाने पहुंचकर पुलिस से पूरी आपबीती सुनाई। युवती की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के गांव टेढ़ गमरिया थाना बगीचा की युवती ने लोधा थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि वो कई वर्षों से अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहकर एक अस्पताल में आया की नौकरी करती थी। वहां अक्सर सिकंदरपुर में अपनी बहन के घर जाती थी। इसी बीच फोन के माध्यम से एक अनजान युवक से बातचीत होने लगी। एक दिन दोनों की मुलाकात हुई तो युवक ने अपना नाम अशोक राजपूत निवासी उमराई हाथरस बताया। कुछ दिन बाद दोनों ने एक दूसरे को अपनाते हुए मार्च 2019 में हरियाणा के उल्लाबास में शिव मंदिर में जाकर शादी कर ली। युवती ने एक बच्चे को जन्म दिया। आरोप है कि 22 मार्च 2021 को आरोपी युवक युवती को लोधा के गांव रायट में अपनी बहन के घर ले गया। यहां लाते ही युवती हक्का बक्का रह गई। घर में सब कुछ विशेष समुदाय का नजर आ रहा था। युवती ने युवक से जब सच्चाई जाननी चाही तो उसने सच उगल दिया। उसने अपना असली नाम बताते हुए कहा कि हम सभी दूसरे समुदाय से हैं। इतना ही नहीं, युवती से कहा कि तुझे भी अब उनके समुदाय में शामिल होकर अपने धर्म में आस्था छोड़नी होगी। युवती के विरोध करने पर सभी मारपीट करने लगे एवं धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगे। आरोप है कि युवक 2 माह की बेटी को लेकर युवती को छोड़कर हाथरस भाग गया। युवती मारपीट सहन करती रही। किसी तरह युवती चंगुल से छूटकर शुक्रवार को पुलिस थाना पहुंची। युवती आरोपी के घर से भागकर सुबह बन्ना देवी थाने पहुंची। यहां पुलिस ने युवती को लोधा थाने जाने की बात कहकर टरका दिया। इसके बाद युवती भागते हुए लोधा थाने पहुंची। वहां देर शाम तक सुनवाई नहीं हुई, जिसकी भनक लगने पर पूर्व महापौर शकुंतला भारत भी थाने पहुंच गई। उन्होंने थाना प्रभारी से बातचीत कर युवती की ओर से तहरीर दिलवाई और कार्रवाई की मांग की। लोधा थानाध्यक्ष अभय शर्मा ने बताया कि मामले में शिकायत के आधार पर पुलिस ने विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने व मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज। शुक्रिया।